मैसेज हम अपनी पाकिस्तानी अवाम को भी देते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान आए उसको इसी तरह अवाम वेलकम करें और जैसे उन्होंने किया है हमारा, और सियासत को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। मार देंगे तो क्या हो जाएगा, नई टीम बना लेना यार जी, दुश्मन मुल्क भेज दिए, वो नहीं आए कभी पाकिस्तान में, चलो नहीं आए, लेकिन फिर भी अगर वो आएंगे इन फ्यूचर, अगर पाकिस्तान की तरह बेहतर हालात हुए कि वो वर्ल्ड कप अपने पाकिस्तान में करवाएं, तो मेरे ख्याल से वो भी आएंगे। इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो सोचें वो कितनी आवाम होगी, ये तो मेरे नज़र के सामने कोई आवाम नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 क्राउड होगा, 10,000 होगा, चलें 1,00,000 लगा लें, लेकिन पाकिस्तानी क्राउड कैसे संभालेंगे जब विराट कोहली या रोहित शर्मा आके सामने खड़े हो जाएंगे। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा, हेडलाइंस नेटवर्क के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर में। आज हम पाकिस्तानी आवाम से जानने वाले हैं कि जी पाकिस्तानी खिलाड़ी तो पहुँच चुके हैं भारत, भारत पहुँचते ही जिस तरह से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया, मोहब्बत निछावर की गई, खलूस दिखाया गया, प्यार दिखाया गया, एक्सपेक्टेड नहीं था, पाकिस्तान ने ऐसे एक्सपेक्ट किया भी नहीं था, लेकिन भारतीयों ने बिल्कुल हमारे ख्यालात बदल दिए कि नहीं, हम दोनों कौमें आपस में एक हैं, चाहे हमारे बॉर्डर्स बने हुए हैं अलग अलग हैं, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम पाकिस्तानी आवाम से जानेंगे कि क्या वो खुश हैं जिस तरह से भारतीयों ने उनका इस्तकबाल किया, क्या अगर भारत टीम पाकिस्तान आती है चाहे एशिया कप के लिए, चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, तो हम उनका इस्तकबाल कैसे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के आखिर में। जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेड भी था, जिस तरह पाकिस्तान 7 साल बाद इंडिया गया और जाते ही उनको इतना वार्म वेलकम मिला है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमारा वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह से हमारी टीम गई और उन्होंने बहुत काफ़ी हज़ारों में आवाम थी वहाँ पर मौजूद, सिक्योरिटी भी इतनी अच्छी उन्होंने दी, उसके बाद होटल तक उनकी बहुत अच्छी आवाम ने पाकिस्तान को जो है ना अच्छा इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट के अंदर तो क्राउड हमें नज़र आया, बाबर आजम के नारे लगाए उन लोगों ने, साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए, तो ये कह लें कि हम सोचते थे कि दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क में हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कैसा हमारा वार्म वेलकम करेंगे, लेकिन इसके ऑपोजिट ही भारतीय आवाम निकली, भारतीय आवाम कह लें कि बाबर आजम की बहुत बड़ी फ़ैन है वहाँ पर। बिल्कुल, जैसे विराट कोहली की पाकिस्तान में बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, इसी तरह बाबर आजम की उधर फ़ैन फॉलोइंग है। ये देखो हमारी सियासत है, ये आपस में इनके तल्लुकात अच्छे नहीं, लेकिन क्रिकेट में सियासत को नहीं लेकर आना चाहिए, स्पोर्ट को स्पोर्ट तक रखें, उनको इधर आना चाहिए क्रिकेट खेलने, इनको उधर जाना चाहिए क्रिकेट। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का अच्छा इस्तकबाल किया है, अगर वो एशिया कप खेलने इधर आते हम भी ऐसे इनका इस्तकबाल करते, लेकिन वो नहीं आए, और बैड लक क्या है, आगे जब चैंपियन ट्रॉफी हमारी, ये दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलें। जो पीसीबी के चेयरमैन थे जब हमारी टीम वहाँ पर पहुंची है, कहती है कि हमने अपनी टीम का बड़ा मोराल हाई किया है, लेकिन साथ में एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो कह ले कि भारतीय काफ़ी नागवार गुजरी, बुरा भी लगा सुनकर, कहा कि दुश्मन मुल्क भेज दिया, ये कहना ज़रूरी था कि दुश्मन मुल्क भेजा, आप कहेंगे भाई हमने भारत भेजा, हमने अपने नेबर में पाकिस्तान को भेजा है। बिल्कुल गलत ये बोला उन्होंने, दुश्मन मुल्क में आपकी टीम वहाँ पर जा रही है, क्रिकेट एक मैच भी उन्होंने खेल लिया है, वर्ल्ड कप पूरा तकरीबन 1-2 माह उन्होंने उधर रहना है, दुश्मन मुल्क अगर दुश्मन होता तो आप उधर टीम को भेजने नहीं था, जिस तरह से वो नहीं आए आपने भी नहीं भेजना था। ये बात तो आपने बिल्कुल सही किया, क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त भारत पहुँच कर नर्वस नज़र आ रही है थोड़ी बहुत? बिल्कुल नर्वस नज़र आ रही है। नहीं नहीं सॉरी नहीं नज़र आ रही, तो फिर आपने क्यों कहा कि नर्वस नज़र आ रही है, जबकि देखा जाए तो हमारे जो प्लेयर्स हैं काफ़ी मिलजुल रहे हैं, हैदराबाद में काफ़ी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो 14 अक्टूबर को कह लेंगे पाक भारत टाकरा होने वाले, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पाक भारत टाकरा उनके टिकट्स हाउसफुल हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं, पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं, उसके बाद अगर बात करें इनकी फॉर्म की, बैट्समैन की बैटिंग तो हमारी पहले वार्म अप मैचेस में हमने देखी है बहुत अच्छी कारकर्दगी रही, लेकिन बॉलिंग हमारी बहुत ही गंदी है, 350 का टारगेट उन्होंने 46 ओवर में चेज करवा दिया, बॉलिंग पर इनको काम करना, बॉलिंग अच्छी नहीं होगी कोई भी मैच ये नहीं जीत पाएंगे। जिस तरह से बाबर आजम को कहले उन्होंने वेलकम किया, बाकी सारी खिलाड़ियों को वेलकम किया, अपना कल्चर दिखाया कि जो भारतीय हैं इस तरह से अपने मेहमानी की मेहमान नवाजी करते हैं, भगवा उन्होंने पहनाया कहले के ऑरेंज रंग का कपड़ा है जो कि प्रेजेंट करता है उनके श्री कृष्ण जी को, और साथ में देखा जाए तो उनकी कल्चरल रूट्स बड़ी मजबूत हैं भारत की, वो अपना कल्चर दिखाना नहीं भूलते कहीं पर। बिल्कुल ऐसा ही जाते ही उन्होंने बहुत अच्छी वो जो चादरें उनके गले में डाली, और उसके बाद बाबर आजम के नारे उधर लगे, बाबर आजम भी अपने जो फैन है उनको हाथ लाया, सब कुछ सलाम वगैरह किया, लेकिन उधर जाके ये जो है ना ज्यादा वार्म हो गए हैं, ज्यादा सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, ज्यादा नजर आ रही है, ज्यादा नजर आ रही है पाकिस्तान से भी इंडिया में ज्यादा नजर आ रही है हमें, कभी इमाम पोस्ट लगा देता कभी बाबर पोस्ट लगा देता, देखी थी काफी इंस्टा स्टोरीज लग रही है इनकी, नसीम शाह नहीं गए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नसीम शाह जाते तो और भी होते, उनकी जो उर्वशी रतेला मेरे ख्याल से वो तो हर वक्त उसके पीछे ही होती। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज हम अपनी
पाकिस्तानी अवाम को भी देते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान आए उसको इसी तरह अवाम वेलकम करें और जैसे उन्होंने किया है हमारा, और सियासत को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। प्रियंका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सर मेरा सवाल ये है कि बात करते चलते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, पाकिस्तानी टीम की। तो कह लें भारत पहुंच चुके हैं वो लोग, और जिस तरह से एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया, एक कह लें कि तारीखी इस्तकबाल इसको माना जा रहा है कि 7 साल बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत गए हैं और जाते ही इतना प्यार, इतनी मोहब्बत उनको मिली है। बड़ा अच्छा लगा देख के कि पाकिस्तान को ऑनर दी गई, वो भी इतने लॉन्ग टाइम के बाद हमारी पाकिस्तानी टीम इंडिया गई है। ठीक है, तो हैदराबाद में जिस तरह लोगों का झुंड इकट्ठा हुआ था, लोगों ने वेलकम किया, देख के मज़ा आया। मज़ा तो जहरी सी बात आना ही था। हमारे खिलाड़ी काफ़ी पुरजोश वहाँ पर नज़र आए, इतनी मोहब्बत रिसीव करके, इतना प्यार रिसीव करके, स्पेशली जब उनको भगवा पहनाया गया, उनको कह लें कि चादरें ओढ़ी गई, वो और ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नज़र आ रहा था। वो उनके लिए एक ना रिस्पेक्टफुल चीज़ आई थी, वो इस तरह अपने यानी कि कोई भी आउटसाइडर आता है तो उसका वेलकम करते हैं, लेकिन जो प्यार पाकिस्तानी टीम के लिए दिखाया गया वो शायद उन्होंने किसी और टीम के लिए नहीं दिखाया। क्या पता हर टीम उनके मुल्क में आती जाती हो, इसलिए पाकिस्तान बड़े लॉन्ग टाइम के बाद गई और उन्होंने बड़ा ही स्पेशली उनका यानी कि इंतज़ाम और जो है अरेंजमेंट्स वगैरह की थी। मज़ा आया देख के, और जिस तरह पाकिस्तान के नारे लगे वो देख के दिल खुश हुआ। बिल्कुल, बाबर आजम की फैन फॉलोइंग वहाँ पर पता चली अम्मी की कितनी ज़्यादा है। जैसे विराट की बात करें पाकिस्तान में फैंस नज़र आते हैं, वैसे ही बाबर आजम के फैंस हमें भारत में नज़र आए। ऐसे ही है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो ऐसी है कि पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाही देती है कि पाकिस्तानी टीम चलने पे आए तो नहीं पता चलता कि ये लोग क्या कर जाएं। अभी आपने देखो वार्म अप मैच आया था, वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खाली पाकिस्तानी टीम ने 345 का टारगेट किया सिर्फ बैटिंग लाइन पे। वो लहदा बात है कि आजकल पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन जो है वो चल नहीं पा रही, पता नहीं हमारे बॉलर्स को क्या हो गया। ये तो बात आपने बिल्कुल सही किया। वो मैं मैच देख के भी हमें लगा कि बाबर आजम और रिजवान तय करके आए कि इस बार हमने कुछ करके जाना है यहाँ से, और स्पेशली जब भारत में गए हैं, भारत का अपना होम ग्राउंड है, अहमदाबाद भी उनका वर्ल्ड कप का मैच है, पाक भारत टाकरा होने वाला है। साथ में देखा जाए तो जो एयरपोर्ट के अंदर क्राउड था वो तो नारे लगा ही रहा था, बाहर भी लोग दीवाना वार चले हुए थे उनके पीछे। जारी सी बात है, एक पाकिस्तानी हमसाया मुल्क है ना पाकिस्तान इंडिया, अब इंडियन में से कोई भी यानी कि इंडियन टीम हमारे मुल्क में आती है तो ये इन्होंने कुछ वेलकम नहीं किया जो लोग हम करेंगे, क्यों पूरा लाहौर पूरा पाकिस्तान बाहर आएगा। आपको पता होगा पीएसएल मैच हो रहा हो तो मुल्तान कराची डिफरेंट सिटीज़ से लोग टिकटें करवा के आ जाते हैं, कुछ लोग जहाज में बैठ के आ जाते हैं, हमने जी पीएसएल देखना। पीएसएल के मैचेस हमारे पहले से ही ग्राउंडें बुक हुई होती हैं, ठीक है, टिकटें बुक हुई होती हैं, ऑन द स्पॉट आपको टिकट नहीं मिल सकती, ठीक है। इसी तरह अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो सोचें वो कितनी आवाम होगी, ये तो मेरे नज़र के सामने कोई आवाम नहीं आई थी। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 क्राउड होगा, 10,000 होगा, चलें 1,00,000 लगा लें, लेकिन पाकिस्तानी क्राउड कैसे संभालेंगे जब विराट कोहली या रोहित शर्मा आके सामने खड़े हो जाएंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि विराट और रोहित जब सामने आते हैं, बल्कि बाकी प्लेयर्स भी उनके देख लें, एक से बढ़कर एक आपको वहाँ पर फ़ैन मिलेगा उनका। क्या एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान क्या करने वाला है भारत की सरजमीन पर जाकर, और स्पेशली देखा जाए तो नर्वस नज़र आ रही है आपको अपनी टीम थोड़ी बहुत वहाँ पर? नर्वस तो नहीं नज़र आ रही, बाबर आजम ने तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया पे बैठ के कहा है कि मैं ग्राउंड में देखूंगा, और जहाँ तक मैंने देखा है इंडिया के होम ग्राउंड में बाबर आजम ने जो बैटिंग की है उसने अपना हक अदा किया। वो एक लहदा बात है कि यार 3 बैट्समैन के अलावा कोई बैट्समैन चल ही नहीं सका, तो बॉलिंग लाइन हमारी को लगता नज़र लग गई है। आज से पिछले साल अगर आपने देखा हो वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया को कहा जाता था, प्रेडिक्शन होती थी, ट्रॉल किया जाता था कि इंडिया के पास सिर्फ बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग नहीं है। इस दफ़ा उल्टा हो गया, पाकिस्तान को नज़र लग गई है, ठीक है, हमारे बॉलर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, मम्मी डैडी बॉलर इंजर हो जाते हैं, और अभी तो नसीम शाह नहीं गए वहाँ पर, जाहिर सी बात है उन्होंने जाना भी नहीं है क्योंकि वो इस टाइम रेस्ट में है। रेस्ट बनती है वैसे उनकी? मुझे तो लगता है कि नसीम शाह को ना यूरोप का टूर मार लाना चाहिए, छुट्टियाँ मिली हुई हैं, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, क्या पता। हाँ ये भी हो सकता है, अभी स्काउट अनाउंस किया है हमारी टीम चली गई, क्या पता एमरजेंसी में नसीम शाह को लाहौर से बुला लें कि आजा भाई पाकिस्तान कॉल करें, नसीम शाह को भेजो, हमें ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि वो हमारा अच्छा बॉलर है, ऑलराउंडर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका नाम?
सबा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जब से भारत पहुंचे हैं, जिस तरह से उनका वेलकम किया गया एयरपोर्ट के ऊपर, कह रहे हैदराबाद के अंदर बहुत सारे क्राउड ने बाबर आजम के नारे लगाए, पाकिस्तान के नारे लगाए, तो क्या कहना चाहते हैं? एक्सपेक्टेड नहीं था, बट फिर भी इतना अच्छा वेलकम कर दिया। एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हर कोई आप जैसा नहीं होता, हर कोई आप जैसा नहीं होता कि जूता दिखाए, हर कोई आप जैसा नहीं होता कि रोड़े उठा उठा के मारे, डब्बे उठा उठा के मारे, हर कोई हमारे जैसा नहीं होता। उनको शौक है कि वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखें, क्योंकि उनको पता है कि दोनों ही टीम्स एक दूसरे को टफ टाइम देती है। दोनों टीम्स का मैच जो है वो पूरी दुनिया देखना चाहती है, दोनों टीम्स को देखना, दोनों टीम में से कौन जीते है दुनिया ये देखना चाहती है। और दूसरी बात ये कि वो बहुत खुश है कि पाकिस्तानी टीम ली है, हर टीम के लिए खुश है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेला जा रहा है, वो हर टीम के लिए इसी तरीके से खुश है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हर टीम के लिए खुश है। पर पाकिस्तान के लिए इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और आपको पता है उनका टाकरा चलता रहता है। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही की। एक तो पाकिस्तानी हमने जो अपने खिलाड़ी हैं वो भारत भेज दिए, लेकिन उसके जाने के बाद हमने ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो कि भारतीयों काफ़ी दिल दुखा। हमारे अपने जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा, जी ज़का अशरफ ने, कि जी पाकिस्तानी टीम भेज तो दी, उनके मोरल्स हाई कर दिए हैं हम लोगों ने, लेकिन दुश्मन मुल्क भेज दिया है। दुश्मन मुल्क भेज दिया है, हाँ मार देंगे तो क्या हो जाएगा, नई टीम बना लेना। यार जी दुश्मन मुल्क भेज दिया है, वो नहीं आए कभी पाकिस्तान में, चलो नहीं आए, लेकिन फिर भी अगर वो आएंगे इन फ्यूचर, अगर पाकिस्तान की तरह बेहतर हालात हुए कि वो वर्ल्ड कप अपने पाकिस्तान में करवाएं, तो मेरे ख्याल से वो भी आएंगे। बिल्कुल, बात आपने सही की है। लेकिन देखा जाए रमेश राजा की बात करें, ये भी हमारे जो फॉर्मर पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, पहले ये कहते हैं जी पाकिस्तानी टीम जानी नहीं चाहिए थी, अब खुद वहाँ पे कमेंट्री करने के लिए पहुँच गए। सर नंबर नहीं टंगने उन्होंने, ये बात फेम नहीं हासिल करना उन्होंने, ये बात भी आपने बिल्कुल सही किया। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान और भारत का 14 अक्टूबर को मैच है अहमदाबाद के अंदर, क्या एक्सपेक्टेड है कि कैसा मैच होगा, क्या देखने को मिलेगा? एंड लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान इंडिया दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देना, बट द सेम थिंग स्पिनर्स आर वेयर। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही की है। क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड पे? यार एक आधा तो ले जाते क्या एक बंदा सही वाला यार अब क्या करेंगे हम लोग, मुझे तो तुम लोगों की समझ नहीं आ रही। अगर हारे तो फिर तुम लोगों को तो पता ही है कि यही होगा कि स्क्वाड अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो सबने तुम लोगों को ब्लेम करना है, तो कोई सोचना चाहिए था इन लोगों को। बस यही है, पाकिस्तान टीम बेस्ट ऑफ लक, हारना नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पता है आप लोगों को भारतीय है, भारतीय होम ग्राउंड है उनके, अब वो शेर है तो आप सवा शेर बन के दिखाएं, आप सवा शेर बन के दिखाएं वहीं पर है, अब तो आप लोगों ने बियर करना है थोड़ा सा, और हम लोगों को बियर नहीं करवाना, आप लोगों ने जीतना है। ओके, तो ये सभा हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान का वेलकम एक्सपेक्टेड था, कि किस तरह से उनका वेलकम करना चाहिए, किस तरह से भारतीय आवाम ने उनका वेलकम किया है। आपके ख्याल में पाकिस्तानी आवाम ने तो ये राय दी है, आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।